Assalamualaikum guys, welcome to my channel of Graphic Academy। आज के Adobe Illustrator के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एक बिजनेस कार्ड। और ये बिजनेस कार्ड बेसिकली वही है जो मैंने अभी रिसेंटली लोगो अपलोड किया। हम लेंगे प्रिंट, बिकॉज जब भी बिजनेस कार्ड या लेटर हेड ऐसे जो भी चीज़ें बनाई जाती है हमेशा प्रिंट होती है, तो उसको हम प्रिंट में बनाएंगे, मतलब कि CMYK में बनाएंगे। और उसका जो साइज होता है वो है 3x2 inches, और उसके ऊपर ब्लीड एरिया लगाया जाता है। ब्लीड एरिया में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दूं। ब्लीड बेसिकली ब्लीड हम कहते हैं मार्जिन को। मार्केट में जो प्रिंटर्स यूज होते हैं वो एज टू एज प्रिंट करके नहीं देते, तो इसलिए हम ब्लीड एरिया थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि जब प्रिंट होकर बाहर आए तो एज टू एज रहे और जो ब्लीड एरिया होता है वो कट कर दिए जाते हैं। तो नाउ इसका हम ब्लीड एरिया लगाएंगे 0.125। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो रेड लाइन है बेसिकली ये ब्लीड एरिया है। अब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सिंपली आप कीबोर्ड से एंप्रेस करें रेक्टेंगल टूल की, ये शॉर्ट की है। ब्लीड एरिया साथ में ड्रॉ करना है बिल्कुल कॉर्नर तक। बेसिकली हमारा ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, ये हमारा बिजनेस कार्ड होगा और ये बाकी ब्लीड एरिया ये सारा कट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस पे हम लगाएंगे एक ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या काम करता है, वो हमें एक कॉपी जनरेट करके दे देता है इनसाइड या आउटसाइड। तो ऑब्वियसली हम इसमें इनसाइड एक ऑफसेट पाथ लगाएंगे, एक कॉपी लगाएंगे, ताकि हम एक परफेक्ट मार्जिन दे सके, हमारे जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो और जब कार्ड प्रिंट होकर आए तो वो खूबसूरत सा लगे। तो ये देखिए सिंपली आप यहाँ पे ऑफसेट पाथ लगाएं। ये विंडो प्रॉपर्टीज के पैनल में होता है, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट में जाके भी इसको लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे माइनस में, प्रीव्यू ऑन रखें और इसको हम यहाँ से कर देंगे 0.25। हम नाउ क्यों किए, ताकि हमने जो बाहर मार्जिन रखा था वो भी 0.25 का था, 0.125 का था, और अंदर हम जो मार्जिन रख रहे हैं वो 0.25 का है, वो इक्वली अंदर के साइड को कॉपी करके देगा हमें। और ये देखें ये कॉपी आ गई। Now, इसको अब हम सिंपली गाइड बना लेंगे, राइट क्लिक करें और मेक गाइड। सिंपली अब हम इसके ऊपर लाते हैं अपना लोगो। गाइस बेसिकली लोगो में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, क्लाइंट ने मुझे कहा था जो आपने टेक्स्ट पे ग्रेडियंट लोगो लगाया है वही लोगो ग्रेडियंट आप उसके सिंबल पर भी लगा दें। तो हमने पहले लोगो ये बनाया था, ये स्कीम रखी थी, तो क्लाइंट ने कहा ये जो आपने ग्रेडियंट लगाया है ये ग्रेडियंट आप इस पर लेटर मार्क पे सिंबल पर भी लगा दें। तो नाउ कॉपी कर लेते हैं, सिंपली से ड्रैग करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओप्स बहुत बड़ा हो गया, चलो इसका साइज छोटा कर देते हैं, इसको रीसाइज कर लेते हैं। नाउ इसको हमने ग्रुप किया हुआ है, अनग्रुप करें और ये कलर्स लिए यहाँ से क्लिक करके इधर ले आए। इसका साइज थोड़ा सा करते हैं बड़ा, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इक्वली इसके साइज का, इसको हम कलर दे देंगे ब्राउन। इसका साइज हम थोड़ा सा यार बड़ा करते हैं, बहुत ऑकवर्ड सा फील आ रहा है मुझे। तो हम लाएंगे अपना टेक्स्ट, सबसे पहले क्लाइंट का नेम आएगा, ऑब्वियसली वो ओनर है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्लाइंट का नेम उस्मान जट। बेसिकली क्लाइंट का नेम उस्मान जट है, तो इसलिए हमने उसका नेम उस्मान जट रखा है। आप सिंपली यहाँ से येलो कलर लेने, इसको हम थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं, ताकि ये सही तरीके से शो। इसका फॉन्ट हम लेंगे ऑब्वियसली एरियल, इनफैक्ट फॉन्ट हम यही यूज कर लेते हैं मेट्रो जो हमने अपने लोगो में यूज़ किया है। यहाँ पे हम एक थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करते हैं सिंपली पेंटूल में, और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर इसका फिल ऑन करें और इसकी स्ट्रोक को आप कर दें ऑन, थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक हम करेंगे कम, क्लिक करें ऑब्जेक्ट में जाएं पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। अब आप
टेक्स्ट को होल्ड करें और इसी की कॉपी लें एग्जैक्ट सेम इसके नीचे, ओके इस पर डबल क्लिक करें या इस पर ड्रैग करके रिमूव कर दें। अब हम यहाँ पे सिंपली देंगे नंबर, एड्रेस और मेल। मैं नंबर शो नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी नंबर दे देता हूँ। ओके, इसका हम साइज करेंगे 8। गाइस मैंने बनाए हुए हैं, ओके इस पर डबल क्लिक करें। आप सिंपली आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, आप यहाँ से एंटर करें और यहाँ पे अपना आप दें एड्रेस। क्लाइंट का जो रॉयल अपार्टमेंट्स का एड्रेस है वो है लाहौर में और DHA फेस 4, तो हम इसका एड्रेस देते हैं। फिर डबल क्लिक करें और यहाँ से फिर आप एंटर करें और एक मेल दे दें। मेल हम नॉर्मली दे देंगे, मेल हम दे सकते हैं ऑब्वियसली, हम मेल रॉयल अपार्टमेंट्स की दे देते हैं। बेसिकली ये मेल मैंने एक रैंडमली दी है, ये मेल रियल नहीं है। तो बिकॉज क्लाइंट है तो क्लाइंट को भी फिर हमने देखना होता है उसका। ये जो मैंने नाम यूज़ किया है बिजनेस कार्ड, ये उससे पूछ के यूज़ किया है, ऐसे यूज़ नहीं करते। जब तक क्लाइंट आपको परमिशन ना दे तब तक आप ये चीज़ें यूज़ ना करें। ना देखें, मैंने एक ही टेक्स्ट में ये सब कुछ टाइप किया है, मैंने बार बार टेक्स्ट दोबारा से टाइप नहीं किया बिकॉज वो बहुत इशू कर देता है एडजस्ट होने। तो कंट्रोल डी करें, इनकी लाइन की स्पेसिंग आप थोड़ी सी इंक्रीज कर लें जितना आपको इजी लगे, ओके दैट इज 10%। गुड, यहाँ पर आएगा ओनर, यहाँ पर आएगा ओनर, इसका साइज भी हम 6 किया था और इसका साइज हमने दिया था, तो इसको भी हम कर लेते हैं 6 ऑब्वियसली, और इसका साइज भी हम कर लेते हैं 6। नाउ इसका साइज भी हम कर लेते हैं, ठीक है 6 साइज सही है, ओके ये ऑनर रह गया। इसका साइज भी हम कर लेते हैं यहाँ से 6। अब मैंने कुछ आइकन्स बनाए हुए हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो आपको नीचे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी कर ली है और अब मैं यहाँ पर कर दूँगा इनको पेस्ट। इनका साइज छोटा करें ना, इसको पिक करें और बिल्कुल ओप्स को पिक कर बिल्कुल इसका साइज मोबाइल के नंबर के इक्वली इसको क्लिक करें, बिल्कुल इसको भी इधर लें पिक करके, इसका साइज भी आप छोटा कर लें। इसका साइज भी आप छोटा कर लें यहाँ से, इसका साइज भी आप इसको भी आप रिसाइज कर लें। इनको आप ऐसे करके चेक कर लिया करें तो कि इनका साइज इक्वल आ रहा है या नहीं। नाउ इनको आप
अलाइन कर लें, ये लाइन टू आउटपुट होगा, लाइन टू सेक्शन कर ले, इनको आप अलाइन कर लें, इक्वली सेंटर हो जाएंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर सकते हैं। ओके, अब इनमें जो गैप है वो इक्वल है। अब आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें इस पर, आई आईड्रॉपर टूल क्लिक कर लें, एस्केप कर लें, इसको क्लिक करें, आई प्रेस करें, आईड्रॉपर टूल लें, इसको क्लिक करें, सिंपली इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। सिंपली आप इसको यहाँ से शिफ्ट की होल्ड करके इस तरह से एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं, होल्ड की होल्ड करेंगे इक्वली साइज इंक्रीज हो जाएगा, और हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखें अभी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है एज कम्पेयर टू उसके। हमारी एक साइट हो गई है रेडी। अब हम सिंपली कलर स्कीम रखते हैं साइड पे और इसकी बनाते हैं बैक साइड। ये फ्रंट साइड है, हम यहाँ से अब लेंगे आउटपुट टूल और इसकी बनाएंगे बैक साइड। ऑल्ट से इसकी कॉपी करेंगे, ऑल्ट की होल्ड करेंगे तो थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसकी हम बनाएंगे बैक साइड। बैक साइड बनाने के लिए सिंपली हम इसको लोगो को रखेंगे साइड पे और इन सबको कर देंगे डिलीट। इस सारे को सिलेक्ट करें, डिलीट, और इसे नीचे से लॉक कर लें 2 मिनट के लिए और इस सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर लें, कंट्रोल ऑल्ट 2, और इसका हम कलर देंगे यहाँ से वही अपना ब्राउन। सिंपली एम प्रेस करें और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें इसके ऊपर, हम कलर देंगे व्हाइट, ब्राउनिश में जाके लाइट से स्टार्ट कर देंगे ग्रे। ओके, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट, इसका साइज आप यहाँ से कर लें इंक्रीज ऑलमोस्ट 8%, और फॉन्ट इसको हम देंगे एटली आईड्रॉपर टूल ने और यही वाला फॉन्ट देगा। इसका साइज हम कर लेते हैं यहाँ से 10, और इसका हम ले लेंगे यहाँ से बोल्ड वर्जन। ओके, इसको हम कलर देंगे ब्राउन, तो हम कर लेंगे अलाइन। देखिए बिजनेस कार्ड जितना सिंपल होगा उतना ही यूनिक होगा। इसको आप यहाँ पे लेकर आए और इसको हम कर देंगे यहाँ से वही वाला वाइट, इसको अलाइन कर लेंगे हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। हम क्या करेंगे सिंपली इस गाइड को ऑफ करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड गाइड्स। अब हम इस पर लगाएंगे ट्रिम मास्क। ट्रिम मास्क बेसिकली वो जगह होती है जब हमारा ब्लीड एरिया जो होता है, जो मार्जिन एरिया होता है, उस जगह पर ट्रिम मास्क लग जाता है और इजिली पता लग जाता है कि यहाँ से हमने कट कर। कलर स्कीम को यहाँ से डेल सिंपली रेक्टेंगल टूल लें और एक अपने अंदर वाले बॉक्स रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। तो आप कोई भी कलर में दे रहे तो व्हाइट, और इस पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और क्रिएट ट्रिम मास्क। सिंपली इसी को ऐसे दिखाएं और इसको सिलेक्ट करें और इस पर भी जाके आप लगा दें क्रिएट ट्रिम मास्क और इसको
स्टॉप कर दें, डिलीट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो गाइस फाइनली हमारी बिजनेस कार्ड रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिए मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पे इसका। ये मैंने डॉक किए हुए थे, कंट्रोल आर्ट टू प्रेस करें और शिफ्ट एफ कर दें। इतना खूबसूरत लग रही है हमारा बिजनेस कार्ड। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब तो बनता है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें ग्राफिक अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।